मेरा साथ नहीं चढ़ती मैनू सौआ तेरी मैं आना चाहूं मैं थोड़ी माओ मशहूर पर पूरा भी ना करता जरूर चक्का होर ना करंटी मुसे आले दी बस कुड़िया ते नशिया तो दूर नहीं बस कुड़िया ते नशिया तो दूर कुड़िया ते नशिया तो दूर हाँ जी गाइस आप देख रहे हो लाइट लगवा के खरीद के लाए हम खरीद के तो लाए थे उस दिन करोल बाग जिस दिन हम हॉर्न लगवाने गए थे हॉर्न लगवाने के बाद हम लाइट भी खरीद के लाए थे अब लेट हो गए थे इस वजह से लाइट फिट नहीं करवाई थी उस दिन अब फाइनली इस हफ्ते थोड़ा टाइम मिला फिट करवाई है फिट करवाते वक्त रात हो रही थी इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रखा मैंने लेकिन फिर भी एक सैंपल दिखा दूंगा और आपको मैं आज समझाऊंगा कि मेरा ओवरऑल क्या जुगाड़ लगा फिट करवाने में कितना टाइम लगा ओवरऑल क्या क्या खर्चे आए अब आपने पिछली वीडियो में रूट्स वाले तो देख ही लिया होगा कि रूट्स में हमने क्या लगवाया क्या क्या खर्चे लेकिन अब लाइट का आपको एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि पब्लिक थोड़ा बहुत शौक करती है मेरे को इतनी खास पसंद नहीं है लेकिन मैंने देखा था आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत चलती है चलो देखते हैं लगा के कैसे लगती है तो हमने दो लाइट्स लगवाई अब करोल बाग से मैं खरीद के ऐसे लाया था कि खरीदी यूँ थी कि होलसेल वाले भाई बैठे थे उनको मैंने बताया मैं ऐसी ऐसी लाइट चाहिए उनने मेरे को निकाल के दी वायर मैंने अपनी खरीदी है लाइट अपनी खरीदी है स्विच अपनी ख़रीदा मैकेनिक को जाके मैंने बस समझाया कि ऐसे ऐसे फिट करा दो मतलब आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मैकेनिक पे मैं जाऊँगा और वो लगा के ऐसी कैसी दे देगा तो ये तो भाई आपका वहम ही है क्योंकि दिल्ली NCR में तो भाई ऐसे काम कम ही होते हैं हमारे यहाँ तो भाई गुड़गांव में तो ना बराबर ही होते हैं बंदे नहीं कराते तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या होने वाला अब सबसे पहली चीज़ है नीचे की जो आप नीचे की लाइट देख रहे हो ये दो कलर हमने मिक्स करा रखे हैं ये एक है पिंक और एक है ब्लू इधर आइए भाई हल्का सा इधर ये देखो अगर मैं इस पर होल्ड करता हूँ तो ये आपको सिर्फ ब्लू दिखेगी और इस पर होल्ड करता हूँ तो सिर्फ पिंक दिखेगी और दोनों का कलर कॉम्बिनेशन मिल के ही पर्पल बन रहा तो ये जो दो कलर कंबाइंड करके हमने दो लाइट लगवाई है इस वजह से ये कलर आ रहा है और अकेला अकेला दोनों कलर ही बेकार लग रहे थे और जब मिक्स हुआ है उसके बाद ही जेन्युइन लगना चालू हुआ है और दूसरी चीज़ है जी टैंक के अंदर लाइट अब BS6 के अंदर इधर फ्यूल इंजेक्टर होता है वो अलग नाटक है भाई उसके अंदर लाइट लगती नहीं है मुश्किल से अंदर की तरफ फेसिंग करके मतलब लाइट नीचे की तरफ ऐसे लगती है हमने अंदर की तरफ करके लगाई है तो आपको सिनेमैटिक सीन में भी क्लियरली दिख रहा होगा कि लाइट अंदर की तरफ को मतलब इंजन की तरफ को जल रही है रादर देन कमिंग डाउन ऐसे नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करने की जगह अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रही है जिसकी वजह से ऐसा लुक आ रहा तो यही दो चीज़ थी अब आपको कॉस्टिंग की अगर हम बात बताएं कि हमारी अब तक कॉस्टिंग क्या लगी इस टोटल काम को कराने में आप एक तो देख के बताओ भाई आपको अच्छी लग रही है बेकार लग रही है देखो बेकार लग रही है तो हम हटा देंगे अच्छी लग रही है तो हम रख लेंगे इतनी कोई बहुत ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी नहीं थी इसको लगाना लेकिन सुंदर लगेगी ये सोच के ही हमने लगवा लिए तो कॉस्टिंग की अगर हम बात करें जो नीचे वाली लाइट है ये मैं खरीद के लाया था अंकल से शायद से 30 रुपये का एक लाइट थी तो मैं 4 खरीद के लाया था मेरे को लगा था ज़्यादा लगानी पड़ेंगी वो तो एक एक में ही हो गया तो 4 और 4 8 टोटल में मैंने अंकल को तीन थी कि चार थी 120 रुपये इसके दिए थे लाइट के पिंक वाली के और ब्लू वाली के और मतलब जो नीचे आपकी लग रही है ना वो वाली के मैंने टोटल में यही खर्चा किया था कि 120 रुपये दिए थे उसके और जो टैंक के अंदर लग रही है ये एक इधर लग रही है एक उधर लग रही है और एक पड़ी थी मुझे 60 की एक मतलब एक पैर की बात कर रहा हूँ मैं एक पैर पड़ा था मुझे ऊपर वाली के 60 का तो 60 रुपीज़ के ऊपर लाइट है और नीचे जो लग रही हैं 30 और 30 60 रुपये आप टोटल मान लो 120 रुपये की ये टोटल में लाइट्स हैं तो लाइट्स कोई ज़्यादा महंगी महंगी नहीं है कोई आपको लगेगा कि महंगा खर्चा है या वो है ये और वो है कोई महंगी लाइट्स नहीं है लाइट्स इनफैक्ट काफ़ी सस्ती हैं ऊपर से बात यह है फिटिंग की लाइट्स का तो इतनी कोई कॉस्ट नहीं है आपको कॉस्ट लगेगी फिटिंग की कि भाई कितने पैसे खर्च रहे हैं हम फिटिंग में तार मैं खरीद के लाया अलग से 10 रुपये मीटर की तार आती है 4-1 मीटर तार लगी होगी
तीन चार मीटर तार हमारी टोटल में लगी है। और फिटिंग की बात है तो स्विच लगा है, स्विच भी आपको मैं सीन में दिखा दूंगा। ऑब्वियसली ऐसे ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है, ऐसे ऑन हो जाती है। स्विच की कॉस्ट आती है 40-50 रुपये, 60 रुपये जो भी आती है। और फिटिंग कराने के मतलब टोटल में मैंने फिटिंग के भाई को दिए थे 301 रुपये, जिसमें हमने नीचे पत्ती लगवाई है दो, आपको वो भी सिनेमैटिक मतलब सिनेमैटिक तो क्या, एक सीन लगा दूंगा जिसमें आपको समझा दूंगा। नीचे पत्ती लगा रखी है हमने, जो पत्ती के ऊपर हमने लाइट टेकी है, क्योंकि अगर जो ग्लू से लाइट चिपकती है वो हम सीधा इंजन के ऊपर लगाते हैं, वो इंजन इतना हीट करता वो छूट जाएगी 2 मिनट में ही, घर चल के घर तक भी नहीं आ पाएगी। तो इस वजह से पत्ती पे, अब लोहे की पत्ती थोड़ी सी डिस्टेंस पे है इंजन से, तो इस वजह से वो टिकी हुई है, और टिकी होने के कारण वो उस पर हीट नहीं करती कंपैरेटिवली जितने इंजन से करती है। तो अब टिकी हुई है उस पर, इस वजह से ये जल रही है। और ऊपर वाली तो काफ़ी सिंपल थी, जैसे लगती है अंदर को लगा के बाहर की तरफ डबल साइड टेप से चिपका रखी है। तो टोटल में हमारा यही खर्चा है भाई, 300 रुपये फिटिंग के, 40-50 रुपये वायर के, और 120 की टोटल में लाइट्स। तो 300 और 120 हो गए अपना 420, 500 रुपये मान लो आप। आने जाने का खर्चा मैं इसमें कुछ इंक्लूड नहीं कर रहा भाई, तेल वेल के हमारे ज़्यादा लगे वो कोई बात नहीं, वो नहीं बता रहा मैं। आपकी जो भी लोकल नियरेस्ट मार्केट हो आप उसमें लगवा सकते हो। हमारे यहाँ भाई ये कॉस्ट पड़ी, लाइट्स में लाया करोल बाग से, फिटिंग मैंने करवाई गुड़गांव, कौन सी मार्केट है भाई उसे क्या बोल रहा है, गौशाला मार्केट, गुड़गांव में गौशाला मार्केट है भाई, वहाँ दुकान है, आपको देख लोगे कोई सी भी दुकान पर कर देगा भाई फिटिंग, आपको थोड़ी समझानी आनी चाहिए। तो ये है कि आपके एफर्ट की बात है, आपको चाहिए तो लग जाएगी, कोई इसका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। और ड्यूरेबिलिटी तो अभी पता नहीं भाई, एक दो बार बाइक वाइक धोएंगे तब पता चलेगा कि कितनी ड्यूरेबल है, चलती है नहीं चलती। कल ही लगवा के आए हम। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, इफ़ यू डू लाइक द वीडियो यू कैन गिव इट द थम्स अप। अगर आपको थोड़े से और सिनेमैटिक सीन्स देखने हैं तो मैं डाल दूंगा 10 सेकंड के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आर कॉन्टेंट, इफ़ यू डू एक्चुअली लाइक द कॉन्टेंट यू कैन गिव इट थम्स अप, इफ़ यू डोंट लाइक आर चैनल डोंट फकिंग सब्सक्राइब टू इट, वी डोंट वॉन्ट एनी बॉट फॉलोअर्स। Thank you very much for watching. I hope you have a lovely day. Bye bye.